अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। इस वीडियो में हम एक न्यू टैग को स्टडी करेंगे, डिव टैग, और उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, ब्लॉक लेवल टैग्स और इनलाइन स्कोप लेवल टैग्स। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप अपने कोड एडिटर को ओपन कर लें और index.html की फाइल को ओपन कर लें। मैं साथ ही इसे ब्राउजर में भी ओपन कर लूंगा। राइट क्लिक कॉपी पाथ और इसे मैं कोलैप्स कर लूंगा और ब्राउजर में इसे ओपन कर लूंगा। लास्ट टाइम हम यहां तक पहुंचे थे जब हमने एक पेज बना लिया था, अबाउट अस का पेज, और उसके साथ हमने मेटा टैग्स उनको इम्प्लीमेंट किया था और लिंक टैग को यूज करते हुए अपने फैब आइकन को चेंज किया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिव टैग से। डिव टैग बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज होता है। अगर मैं अभी अपनी index.html ओपन करता हूं तो ये कोड फॉर्मेटेड तो है लेकिन ये कोड स्ट्रक्चर नहीं है। हम रैंडमली एलिमेंट्स को, मैं यहां से जो कमेंट सेक्शन है उनको रिमूव कर दूंगा क्योंकि हमने उन चीजों को कवर कर लिया हुआ है। इन कमेंट्स को मैं रहने दूंगा, जो यूजलेस कमेंट्स हैं उनको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। यहां से मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ओके, और इसको भी यहां से रिमूव कर दूंगा, यहां से इस चीज को रिमूव कर दूंगा। इसी के साथ ये कंप्लीट है। इसे मैं एक दफा सेव करूंगा क्योंकि हमने सिर्फ कमेंट्स को रिमूव किया है तो हमारे फ्रंट एंड डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज नहीं आया। अब कंटिन्यू करते हैं। डिव टैग हमारे पास एक जेनेरिक ग्रुपिंग टैग है जिसको हम यूज करते हैं अपने HTML के एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए। ये एक नॉन सिमेंटिक टैग है, मीन इसकी कोई स्पेशल डेफिनेशन ब्राउजर को नहीं पता। ये सिर्फ आप इस तरह समझ लें कि जैसे एक फोल्डर हमने बना दिया और अपने टैग्स को उसमें मूव कर लिया, या एक बॉक्स लिया और अपनी चीजों को उसमें स्टोर करके सिर्फ और सिर्फ उनको एक स्ट्रक्चर मैनर में स्टोर कर लिया। यहाँ पे मैं सबसे पहले थोड़े से अपने डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर मैनर में चेंज करूंगा। जो हमारे लिंक्स हैं जितने भी डॉक्यूमेंट में, उन सबको मैं टॉप पे मूव कर लूंगा। हमारे पास टोटल 4 लिंक्स हैं डॉक्यूमेंट में, एक ये अबाउट अस पेज का और 3 यहाँ पे बॉटम में। मैं इन चारों को टॉप पे मूव करूंगा। मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा कोड एडिटर में आके और यहाँ से इन लिंक्स को कट कर लूंगा कमांड एक्स के साथ। इन कमेंट्स को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और ऊपर आके इस लिंक के बाद यहां पर मैं इन जो लिंक्स मैंने वहां से कट किए थे यहां पर पेस्ट कर दूंगा कमांड प्लस वी के साथ। कमांड प्लस एस से मैं इसे सेव करूंगा और वापस ब्राउजर में आके कमांड प्लस आर से इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये तीनों लिंक्स यहां पे शो हो रहे हैं। और वापस यहां पे आके, क्योंकि हमने यहां पर लाइन ब्रेक्स ऐड किए थे दो लिंक्स के बाद, मैं उनको यहां से रिमूव कर दूंगा अभी के लिए ताकि हमारे जो लिंक्स हैं वो एज इट इज शो हो। मैं इसे सेव करूंगा और वापस आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये लिंक्स सारे एक ही लाइन में शो हो रहे हैं। हम इस कॉन्सेप्ट पे मैं बाद में आऊंगा, अभी के लिए मुझे इस डिव को नीचे लेके आना है, ये जो इमेज है इसको नीचे लेके आना है। इसके लिए और इन टैग्स को ग्रुप करने के लिए, अभी ये टैग सिर्फ और सिर्फ रैंडमली यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इनको ऐसे एज इट इज देख के कोई अंदाजा स्पेसिफिक नहीं लगाया जा सकता। अनटिल अनलेस कि आप यहाँ पे एक कमेंट करें कि ओके नेविगेशन लिंक्स, और यहाँ पे कह दें कि ये स्टार्ट हो रहा है और एंड पे जाके उसको कह दें कि यहाँ पे एंड हो गया है। ये आपने एक कमेंट तो ऐड कर दी है लेकिन इससे भी एज इट इज कोई फायदा नहीं हुआ। मीन ये पढ़ने में थोड़ा सा बेहतर हो गया, इसकी रीडेबिलिटी थोड़ी इम्प्रूव हो गई है कि अच्छा ये नेविगेशन लिंक्स है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे एंड हो रहे हैं, लेकिन HTML पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो स्टाइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई ग्रुप्ड टैग नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक जेनेरिक कंपोनेंट है, नॉन सिमेंटिक, और मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम सिमेंटिक टैग्स की तरफ आएंगे। अभी मैं सिर्फ डिव टैग को यहाँ पे स्टडी करूंगा। हमारे पास एक टैग है डिव, ये जैसे मैंने अभी कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका रैपिंग टैग है, ये एक नॉन सिमेंटिक टैग है, ब्राउजर को इसकी कोई खास डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एलिमेंट्स को रैप करने के लिए यूज होता है। मैं इन सब को सिलेक्ट करूंगा, कट करूंगा और इसमें आकर पेस्ट कर दूंगा।
सेव करूंगा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे थोड़ा सा जो विजुअली चेंज आया वो ये है कि ये इमेज नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गई है। वो इसलिए कि ये जो डिव का टैग है ये ब्लॉक लेवल टैग है। ब्लॉक लेवल टैग का मतलब ये है कि जब मैंने इस टैग को यूज किया तो इसने अपने विंडो की, ये जो पूरा विंडो था, इसकी पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर लिया। मीन इसके आगे और कोई टैग, जो कि दो किस्म के आपके पास दो टाइप के टैग होते हैं, ब्लॉक लेवल टैग और इनलाइन टैग। ब्लॉक लेवल टैग का मतलब होता है कि वो उनको जितनी स्पेस, विंडो की पूरी स्पेस जो अवेलेबल होती है, उस सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उनके ना लेफ्ट साइड पे कोई चीज आ सकती है और ना कोई राइट साइड पे चीज आ सकती है। आप CSS के साथ इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने कोई CSS सीखी नहीं है तो इसलिए हम उसको बाद में स्टडी करेंगे जब हम CSS के मॉड्यूल तक पहुंच जाएंगे। अभी सिंपली जो ब्लॉक लेवल टैग होते हैं वो लेफ्ट और राइट उनके कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता, वो पूरी स्पेस ले लेते हैं। ये ब्लॉक लेवल टैग हो गए। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं इनलाइन लेवल टैग्स, और ये जो फर्स्ट उसकी जो एग्जांपल है वो है ए टैग, एंकर टैग। ये जो ए टैग है ये इनलाइन एलिमेंट टैग है। इसका मतलब ये है कि इसने जितनी जगह इसको चाहिए थी, और जगह कितनी चाहिए ये कैसे डिफाइन होगा, जितना इसमें कंटेंट होगा, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के अंदर, ये इसका स्टार्टिंग टैग है और ये इसका एंडिंग टैग है। इसके अंदर जो चीज हम, यहाँ पे मैं एक इमेज लगा सकता था जैसे हमने लगाई थी, यहाँ पे मैं कोई भी एक, यहाँ पे मैं इसमें इसके अंदर एक H1 हेडिंग दे सकता था, उस चीज को जितनी स्पेस चाहिए होती है ये उतनी स्पेस लेता है। और उसके बाद इसके आगे दूसरा जो एलिमेंट है, अगर वो इनलाइन लेवल टैग है तो वो इसके आगे आ सकता है। मीन अगर मैं इस जो ए टैग है उसको एक डिव में रैप कर लूंगा, क्योंकि डिव एक ब्लॉक लेवल टैग है, मैं इसको यहां पे सेव करूंगा और यहां पे आके रिफ्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि पहले जब ये डिव यहां पे नहीं थी तो क्योंकि ए, ये चारों ए टैग इनलाइन एलिमेंट टैग थे, तो ये चारों एक दूसरे के सामने आ रहे थे। लेकिन क्योंकि अब मैंने दूसरे जो इनलाइन एलिमेंट टैग, ये जो दूसरा एंकर टैग था, इसको एक डिव टैग में रैप कर लिया, जो कि एक ब्लॉक लेवल टैग है, जिसके आगे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कोई और इनलाइन एलिमेंट या ब्लॉक लेवल टैग नहीं आ सकता, तो उसने क्या किया कि अपने लेफ्ट साइड पे भी चीज को क्लियर कर लिया और राइट साइड पे भी सारा स्पेस क्लियर कर दी। जो पहला लिंक था इनलाइन, वो फर्स्ट लाइन पे आ गया, उसके बाद इसने सारी स्पेस ले ली, ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पे आ रहा है, और उनके बाद ये दोनों ये इंडिविजुअली किसी डिब में रैप नहीं है, इस वजह से ये साइड बाय साइड आ गए। मैं एक दफा फिर इसे रिपीट कर देता हूं ताकि आप इसको गो थ्रू कर लें। ब्लॉक लेवल टैग्स वो टैग्स जिनके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कोई चीज नहीं आ सकती। इनलाइन लेवल टैग्स वो टैग जिनके लेफ्ट पे भी कोई भी चीज आ सकती है, जैसे दूसरा जो इनलाइन लेवल टैग होगा, और उनके राइट साइड पे भी कोई भी इनलाइन लेवल टैग आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट था। यहां पर मैं इस डिव को यहां से रिमूव कर दूंगा और आप देखेंगे कि ये वापस चारों एक ही लाइन में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम अपने बाकी डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करेंगे यूजिंग डिव टैग। यहां पर मैं जो इमेजेस हैं उनको एक डिव एलिमेंट में रैप कर दूंगा। यहां पर हमारे पास एक इमेज ये है जो ये लोगो की इमेज है, और दूसरी इमेज ये है जो कि ये एक पोस्ट की इमेज है जो हमने zions.com की वेबसाइट से उठाई थी। और अब मैं इन दोनों को सेपरेट करूंगा, अलग-अलग लाइन पे लेके आऊंगा यूजिंग डिव टैग। ये आपका एक शॉर्ट चैलेंज है। आप वीडियो को पॉज करें और इस इमेज को एक डिव टैग में रैप करें और इस इमेज को एक डिव टैग में रैप करें, और हमने इन दोनों के दरमियान लास्ट टाइम एक लाइन ब्रेक टैग यूज किया था, आप उसको रिमूव करें और आपकी ये दोनों इमेजेस अलग-अलग लाइन पे रहनी चाहिए। वीडियो को पॉज करें और इसे कंप्लीट करें। होपफुली आपने ट्राई किया होगा।
अब हम इसे मिलके कंप्लीट करेंगे। मैं यहां पर आऊंगा, सबसे पहले मैं इस इमेज एलिमेंट को एक डिफ टैग में रैप कर लूंगा और सेव करूंगा, यहां पे आके रिफ्रेश करूंगा और आप देख सकते हैं कि यहां पर ये स्पेस थोड़ी ज्यादा हो गई है। मैं इस चीज को अगर लाइन ब्रेक को या मैं यहां पर कमांड प्लस जी करके इसे अंडू करता हूं, इन जो मैंने चेंजेस किए थे, और सेव करता हूं, तो आप ये इस स्पेस पे जरा गौर करिएगा। मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये स्पेस कम है, क्योंकि अभी इन दोनों को जो अलहदा कर दी है वो चीज सिर्फ और सिर्फ ये लाइन ब्रेक टैग है, बी आर टैग। अब मैं कमांड प्लस शिफ्ट प्लस जी करूंगा रीडू करने के लिए, विंडो में इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई, और सेव करूंगा और यहां पे आके रिफ्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि अब इनमें स्पेस ज्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि अब ये इमेज एक डिफ टैग में रैप है जो कि ये पूरी स्पेस ले रही है यहां तक, और जो बी आर टैग है वो निचली लाइन पे आ गया जो कि सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ब्रेक ऐड कर रहा है। इस वजह से यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो लाइन थी वो एम्प्टी है। मैं यहां से इस बी आर टैग को रिमूव कर दूंगा और सेव करूंगा, यहां पे आके रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हैं कि वो स्पेस उतनी ही हो गई है जितनी के पहले थी, और इस दफा हम एक डिफ टैग को यूज करते हुए इस बिहेवियर को अचीव कर रहे हैं। मैं दूसरी इमेज को भी एक डिफ टैग में रैप कर दूंगा और यहां पर भी इसे क्लोज करना है, सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हैं कि विजुअली कोई चेंज नहीं आया। डिफ टैग सिर्फ लाइन ब्रेक ऐड करने के, जो ब्लॉक लेवल उसकी जो स्कोप है उसके अलावा और कोई विजुअल चेंज ऐड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ रैपिंग के लिए यूज होता है, और इसका जो ये ब्लॉक लेवल बिहेवियर है इसको हम सीएसएस यूज करते हुए कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हम सीएसएस के मॉड्यूल में देखेंगे। यहां पर मैं वापस आता हूं और अब मैं चाहता हूं कि क्योंकि ये दोनों इमेजेस हैं तो ये दोनों एक गैलरी, मैं यहां पे कमेंट कर देता हूं कि गैलरी इमेजेस, मैं इन दोनों सेपरेट इमेजेस को एक और डिव में रैप कर दूंगा। होपफुली आपको ये पैटर्न समझ आ रहा होगा कि हमने इंडिविजुअल आइटम्स को अपने डिव एलिमेंट में रैप करना होता है और बाद में उन डिव एलिमेंट को एक पेरेंट कंटेनर में रैप करना होता है। इसका मेन मकसद ये होता है कि जब हम इन पे स्टाइलिंग लगा रहे हो तो हमारे पास जो सिलेक्टर्स हैं वो इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए। अभी ये चीज अगर आपके लिए थोड़ी मुश्किल भी हो तो कोई मसला नहीं, जैसे जैसे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और मेनली जब हम सीएसएस के मॉड्यूल तक पहुंच जाएंगे तब ये जाके चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अभी जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और टेक्स्ट में आपको सॉल्यूशंस में करके दिखाता हूँ, आप उसको सीख के उस पैटर्न को उस तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, ये जो नीचे जितनी भी डिटेल है मैं इस सारी डिटेल को एक गिफ्ट टैग में रैप करना चाहता हूँ जो कि हमारा सिंपल कंटेंट कहलाएगा। मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पर एक गिफ्ट टैग को यहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा कंटेंट या पेज कंटेंट, यहाँ पे मैं एक डिफ टैग को स्टार्ट करूंगा और एंड पे आकर ये बॉडी टैग से पहले, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट मैं उसमें रैप करना चाह रहा हूं, डिफ टैग को एंड कर दूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हैं विजुअली कोई चेंज नहीं आया लेकिन अब ये सारे एक कंटेनर में मूव हो चुके हैं, एक बॉक्स में, एक फोल्डर में, डिव में रैप हो चुके हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करने के लिए मैं ज़ायोन्स की वेबसाइट को ओपन कर लूंगा, क्योंकि हमने ये जो कंटेंट था ये सारा ज़ायोन्स की वेबसाइट से कॉपी किया था, तो मैं ज़ायोन्स की वेबसाइट को ओपन कर लूंगा और यहां से जो हमारे सेक्शन है यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने ये जो सारा कंटेंट लिखा है यहां तक ये एक सेक्शन में आ रहा है, इसका ये एक सेक्शन है। तो जो एक सेक्शन होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम सिमेंटिक टैग को पढ़ेंगे और उसके लिए एक स्पेसिफिक टैग है जो हम यूज करते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन को एक डिव में रैप कर दूंगा ताकि ये इंडिविजुअल ब्लॉक ऑफ कोड बन जाए। मैं यहां पर कोड में आऊंगा और स्क्रॉल अप करके यहां से हमने यहां से लेकर गेट रिजल्ट के पैराग्राफ तक इन सब को एक डिव टैग में रैप करना है। तो ये आपका शॉर्ट चैलेंज है, प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे कंप्लीट करें। ये काफी सिंपल चैलेंज था, यहां पे हम इस सब को कट करेंगे, डिव टैग क्रिएट करेंगे, डिव टैग को क्लोज करेंगे
और इसमें पेस्ट कर देंगे। सेव करूंगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, विजुअली कोई चेंज नहीं आया लेकिन हमारा काम बेहतर हो गया। इसी तरह हम इस चीज को इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम एक वेबसाइट पे आए क्योंकि आपको एक डिजाइन प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी आपने HTML बनानी है, या फिर आपके पास कोई वेबसाइट का लिंक होगा जिसको आपने क्लोन करना है। तो आप उस वेबसाइट में आए, उस वेबसाइट में जो सेक्शन है यहां से लेके इस कोने से लेके इस कोने तक, ये एक सेक्शन है और आपको ये चीज इस तरह समझ आ रही है कि इसका बैकग्राउंड कलर एक है। जैसे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहां से लेके इस कोने तक ये एक सेक्शन है। उस सेक्शन में ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स है, ये एक टेक्स है, ये इटसेल्फ एक सेक्शन है जिसको कि कार्ड कह सकते हैं। तो जो सेक्शंस होते हैं या कार्ड्स होते हैं उनको रैप करना होता है एक कंटेनर में। जो हमारे पास मोस्ट जनरल जेनेरिक कंटेनर है वो डिव है। तो यहां पर क्योंकि ये एक सेक्शन था हमने इसको एक डिव में रैप कर दिया। ये तीनों इंडिविजुअल तीन सेपरेट सेक्शंस हैं या कार्ड्स हैं। इनके लिए स्पेसिफिक वर्ड जो मोर सूटेबल है वो कार्ड है। सेक्शन एक कंप्लीट मतलब पूरी विड्थ ले रहा होता है और कार्ड वो स्पेसिफिक जितनी उनको विड्थ चाहिए होती है उतनी विड्थ ले रहे होते हैं। ये डिफरेंस है। ये तीन कार्ड्स हैं। तो ये आपका शॉर्ट चैलेंज है। यहां से आप देख सकते हैं कि ये इसकी हेडिंग है और ये इसका टेक्स्ट है। अगर मैं यहां पे आके देखता हूं तो यहां पे सेम पैटर्न हमने फॉलो किया हुआ है। हेडिंग और टेक्स्ट और सेम हेडिंग और टेक्स्ट। तो ये आपका शॉर्ट चैलेंज है। आप इन तीनों को, क्योंकि ये तीनों तीन डिफरेंट कार्ड्स हैं, हम पहले इन तीनों को एक पेरेंट डिव में रैप करेंगे, पेरेंट कंटेनर डिव में रैप करेंगे और उसके बाद हेडिंग और टेक्स्ट को इंडिविजुअली एक पेरेंट डिव में रैप करेंगे। इसके लिए एक लहदा हो जाएगी। पहले ये तीनों एक डिव में आ जाएंगे। मैं यहां पे आके समझा देता हूं। पहले ये तीनों एक डिव में आ जाएंगे, उसके बाद ये इंडिविजुअली उस पेरेंट डिव में एक और डिव आएगी जिसमें ये दोनों चले जाएंगे, उसी तरह एक और डिव आएगी जिसमें ये दोनों चले जाएंगे और लास्टली एक डिव आएगी जिसमें ये दोनों चले जाएंगे। तो ये आपका शॉर्ट चैलेंज है, प्लीज इसे कंप्लीट करें। होपफुली आपने ट्राई किया होगा। अब हम इसे मिलकर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों को एक डिव में रैप करेंगे। मैं यहां पर आऊंगा और इन तीनों को यहां से कट करके एक डिव क्रिएट कर लूंगा और इसमें पेस्ट कर दूंगा। मैं एक दफा फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सेक्शन के अंदर जो टेक्स्ट होता है वो एज इट इज वो किसी H1 में आ जाएगा, P में आ जाएगा या स्पैन टेक्स्ट स्पैन टैग में आ जाएगा, लेकिन जो सेक्शन इटसेल्फ होता है वो डिव के साथ रैप होगा। सेक्शन के अंदर जो कार्ड्स होते हैं वो भी डिव के अंदर रैप होते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है। मैं वापस कोड में आता हूं और ये क्योंकि एक इंडिविजुअल कार्ड है मैं इसको कट करूंगा और यहां पे एक डिव क्रिएट करके, डिव को क्लोज करके इसमें पेस्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं टेक्स्ट जो है वो अपने जो रिस्पेक्टिव जो टैग है उसमें आ रहा है, लेकिन जो पूरे जो कार्ड का कंटेंट है वो एक डिव में आ रहा है। इसी तरह जो तीनों कार्ड है वो एक पेरेंट डिव में आ रहे हैं और ये इटसेल्फ एक पेरेंट डिव में आ रहा है जो कि इस पूरे सेक्शन को रैप अप कर रहा है। मैं बाकी दोनों को भी इसी तरह कंप्लीट कर लूंगा। यहां से कट करूंगा, डिव को क्रिएट करूंगा और डिव को यहां पे क्लोज कर लूंगा, यहां पे सेव करूंगा। इसी तरह मैं इस चीज को यहां से कट करूंगा और इस डिव को यहां पर क्लोज कर दूंगा, सेव करूंगा और फॉर्मेट हो जाएगा। यहां पे रिफ्रेश करूंगा, विजुअली हमें कोई चेंज नजर नहीं आया लेकिन स्ट्रक्चरली ये काफी बेहतर हो चुका है क्योंकि ये अब ये सारा एक लाइन ब्लॉक ऑफ कोड है जिसमें ये तीनों एक अपने कंटेनर में रैप हैं और उसके बाद इंडिविजुअली ये दोनों हेडिंग और टेक्स्ट एक और कंटेनर में रैप है। जब हम CSS के मॉड्यूल में जाएंगे तब ये चीज हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैं अब वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके बाकी जो सारा टेक्स्ट है उस सबको भी स्ट्रक्चरली मेंटेन कर दूंगा और उसके बाद आपको एक दफा इसका ओवरव्यू दे दूंगा। ओके, सो बेसिकली जो चेंजेस मैंने मेड किए हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो मैंने कुछ कमेंट्स ऐड किए हैं और ये जो नीचे वाला कोड था इसको कमेंट कर दिया क्योंकि ये जब हम लिस्ट के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे तब हमने ऐड किया था। तो यहां से मैं इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दूंगा। एक दफा मैं आपको अनकमेंट करके दिखा दूंगा कि ये कौन सा कोड है। इसे यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को समझ रहे थे तो तब हमने ऐड किया था। मैं इसे रिमूव कर दूंगा यहां से
मैंने कमेंट ऐड किया था कि मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, और सिमिलरली ये जब हम नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट को समझ रहे थे तब हमने ये वाला ऐड किया था कोड। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये सारा कोड जब हम नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट को समझ रहे थे तब हमने इसे ऐड किया था। मैं इसे भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और इस कमेंट को भी, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये अब हमारा एक्चुअल इस पेज का डाटा है, जिसमें ये हमारे पास टू ओपन नेविगेशन लिंक्स है, ये हमारे पास पेज का लोगो है, ये हमारे पास एक पोस्ट की इमेज है, और उसके बाद हमारा फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है जो यहाँ तक खत्म होता है, जो कि अबाउट अस सेक्शन है, जिसमें हम एक हेडिंग है, एक टैक्स है और कुछ पॉइंट्स है। फिर हमारा आवर सर्विसेज सेक्शन स्टार्ट होता है, और लास्टली हमारा कॉन्टेक्ट अस सेक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कोड भी इसी तरह फॉर्मेट है, अबाउट अस सेक्शन, यहाँ पे आवर सर्विसेज सेक्शन, और ये देखिए रैपिंग करने का जो करंटली आपको विजिबल फायदा नजर आ रहा है वो ये है कि आप इसे कोलैप्स कर सकते हैं, जो बाकी फायदा है वो आपको सीएसएस के मॉड्यूल में आएगा। और इसी तरह ये जो कॉन्टेक्ट अस सेक्शन है उसे भी मैंने एक डिव में रैप कर दिया। अबाउट अस सेक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा, ये कंप्लीट इस सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यहां से लेके इस सेक्शन को, ये पूरा एक सेक्शन था। जैसे मैंने कहा टैक्स और लिस्ट वगैरह हम एज इट इज लिख देते हैं, उनको सिर्फ उनके टैक्स में रैप कर देते हैं, हम चाहें तो लिस्ट को भी एक इंडिविजुअल डिव में रैप कर सकते हैं अगर हमें सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जरूरत हो तो, नहीं तो हम उसे सिर्फ यूएल या ओएल में रैप करके उसी से अपना काम चला लेते हैं। उसके बाद ये सेपरेट तीन कार्ड से जिनको मैंने एक डिव में रैप किया, यहाँ पर इसे मैं ओपन करता हूँ, ये तीनों कार्ड्स सेपरेट उनको मैंने एक पेरेंट डिव में रैप किया कार्ड्स, और ये फिर इंडिविजुअल कार्ड था। ओके ये तीन इंडिविजुअल कार्ड्स है जिनको मैंने फर्दर अपनी अपनी डिव में रैप कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका इफेक्ट है। उसके बाद जब आवर सर्विसेज के सेक्शन में आया, यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एच पी और ऑयल टैग था तो मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन डिव में रैप कर दिया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आवर सर्विसेज का सेक्शन। सेम कॉन्टेक्टर्स के लिए भी उसमें भी सिर्फ हमारे पास एक एच टू और यूएल था तो उसको भी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक डिव सेक्शन में रैप कर दिया, डिव के टैग में रैप कर दिया उसको ग्रुप करने के लिए, ताकि उसकी एक जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट हो जाए। हम इसे यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा कोड विजुअली उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आए, लेकिन स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। मूविंग फॉरवर्ड हम अपना कोड इसी तरह लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सिमेंटिक टैग्स को देखेंगे, क्योंकि ये जो डिव का टैग है ये ग्रुपिंग के लिए तो ठीक है लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक मतलब, ये एक नॉन सिमेंटिक टैग है, ब्राउजर को इसका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं पता। ब्राउजर को बस इतना पता है कि इसने इन एलिमेंट्स को रैप किया हुआ है, और सीएसएस को इतना पता है कि मैंने इस डिव को सिलेक्ट करके इसको कोई स्टाइलिंग देनी है। लेकिन काफी ज्यादा HTML5 में सिमेंटिक टैग्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जिनका स्पेसिफिक मीनिंग ब्राउजर को पता है, जिससे कि आपके पेज की एसईओ और विजिबिलिटी काफी ज्यादा बेहतर होती है। वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर को क्लोज करने से पहले अब मैं वो जो हमने सेटिंग ऑटो कंप्लीशन की सेटिंग स्टार्ट में डिसेबल की थी उसको हम री इनेबल कर देंगे, क्योंकि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी ज्यादा HTML लिख ली है और हम एटलीस्ट टैग को स्टार्ट करना, उसको एंड करना और इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं उससे बहुत ज्यादा फेमिलियराइज हो गए हैं। तो मैं उस ऑटो कंप्लीशन की सेटिंग को री इनेबल कर दूंगा ताकि मूविंग फॉरवर्ड हमारी जो काम की स्पीड है वो थोड़ी बेहतर हो सके। मैं सेटिंग्स के आइकॉन पे क्लिक करूंगा और सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, यहां से मैं ऑटो लिखकर सर्च करूंगा और स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पे जो हमने सेटिंग डिसेबल की थी मुझे उसे सबसे पहले उसे फाइंड करना पड़ेगा और फिर हम उसे अनेबल कर देंगे। यहां से जो जो सेटिंग मैंने, दिस वन HTML ऑटो क्लोजिंग टैग, यहां पर आप डायरेक्ट लिखेंगे ऑटो क्लोजिंग टैग तो आपके सामने ये डायरेक्ट सेटिंग आ जाएगी, ये तीसरे नंबर पे इसको अनेबल करना है, और उसी के बाद वापिस ऑटो मैं लिख के सर्च करता हूं और एंड पे आ जाता हूं। और यहां से अब मुझे, क्योंकि हमने दो से तीन सेटिंग डिसेबल की थी, हम उस सारी सेटिंग को री इनेबल कर लेंगे ताकि जो हमारी काम करने की स्पीड है वो, हमने एक सेटिंग जो डिसेबल की थी वो सजेशन की सेटिंग थी, सजेशन, एंड इसमें हमारे पास था
इनलाइन सजेशन, यहां पर अब मैं आके अगर एच वन लिखता हूं और इसे क्लोज करता हूं तो हमारा जो टैग है वो क्लोज हो गया है। ऑटो कंप्लीशन की सेटिंग को रीएनेबल करने के लिए मैं यहां पर सेटिंग्स के आइकन पे क्लिक करूंगा और यहां से सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा। इस पेज पे आने का एक और शॉर्टकट वे ये है कि आप कमांड प्लस शिफ्ट प्लस पी प्रेस करें और यहां पर सेटिंग्स लिखकर ये जो है प्रेफरेंसेस ओपन सेटिंग्स यूआई इस पे क्लिक करें। आप सेम पेज पे आ जाएंगे, यहां पे मैं एचटीएमएल लिख के सर्च करूंगा और सबसे पहले इसको रीएनेबल कर दूंगा ऑटो क्लोजिंग टैग। इसको मैं दिखा देता हूं कि ये कौन सी सेटिंग अनेबल करता है। जब मैं एक टैग लिख रहा हूं और उसको यहां पे मैंने ग्रेटर देन सिंबल डाली तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाना चाहिए था, ये यहां पर नहीं हो रहा। मैं इसको क्लोज करूंगा, यहां से कट करके दोबारा इस सेटिंग को अनेबल करूंगा और यहां पे आके अब जब मैं इसमें लिखूंगा एक टैग को एच वन और ग्रेटर देन सिंबल डालूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो ऑटो क्लोज हो गया। इससे हमारा थोड़ा टाइम बचेगा। और नेक्स्ट जो हमें एक और सेटिंग चाहिए वो ये है, यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और डॉक्यूमेंटेशन इस पे मैं क्लिक करूंगा। पहले यहाँ पे जब मैं होवर कर रहा हूँ इस एच वन पे तो मुझे कोई भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर आके इसको अनेबल कर देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन को और यहाँ पे आके अब जब मैं होवर करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि ये टैग क्या है, एच वन टैग है। मैं वापिस यहाँ पे आता हूँ और सेकेंड ऑप्शन को भी अनेबल कर देता हूँ और यहाँ पे आके अब इस पे मैं होवर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एम डी एन रेफरेंस लिंक भी आ रहा है। हम इस वेबसाइट पे और एक और वेबसाइट है जो HTML के लिए काफी अच्छी है, HTML बिगनर्स के लिए, उसके मुतालिक मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। नेक्स्ट एक और जो सेटिंग हमने कंप्लीट करनी है वो ये है HTML सजेस्ट। इस सेटिंग को हमने कंप्लीट करना है, इसको मैं अभी डिसेबल रहने दूंगा और यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ये क्या सेटिंग, इससे क्या होता है। मैं जब लेस देन सिंबल लगाता हूं और H1 लिखता हूं तो मुझे कोई ऑटो कंप्लीशन नहीं मिल रही, ये सिर्फ एबीसी मतलब ये टेक्स्ट है, ये कोई टैग नहीं है, ये टेक्स्ट है। मैं इसको यहां से कट करूंगा, डिलीट करके यहां पे इस सेटिंग को अनेबल करूंगा और वापस आके यहां पे सिर्फ और सिर्फ लेस देन सिंबल और H लिखूंगा। आप देख सकते हैं कि अब H के साथ जितने टैग्स बन सकते थे वो सारे टैग मुझे यहां पे शो हो रहे हैं। मैं यहां से H1, मैंने सिर्फ अभी H लिखा है और H1 यहां से सिलेक्टेड है। मैं अप और डाउन की से ऊपर नीचे जा सकता हूं या सीधा कर्सर के ऊपर किसी जिससे जो एलिमेंट मुझे चाहिए, जो टैग मुझे चाहिए वहां पे कर्सर को लाके सिर्फ क्लिक करूंगा या अप और डाउन की से उस टैग पर आके एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं वो टैग यहाँ पे इंसर्ट हो गया और जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा ग्रेटर देन सिंबल से वो ऑटो क्लोज भी हो गया। तो इससे हमें मूविंग फॉरवर्ड थोड़ी सी आसानी होगी। एक और चीज जो इससे लास्ट सजेशन से अनेबल हुई है वो इसके एट्रीब्यूट्स की सेटिंग है। मैं यहाँ पे टी आई लिखता हूं तो आप देख सकते हैं कि जितने हमारे पास एट्रीब्यूट टी आई से हो सकते थे वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सेटिंग हमें अपने काम को जरा थोड़ा जल्दी स्पीडली करने में मदद देगी। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपने सीखा कि डिफ का टैग क्या काम करता है, ब्लॉक लेवल टैग्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट टैग्स क्या होते हैं और आपके डॉक्यूमेंट किस तरह स्ट्रक्चर होना चाहिए और क्यों स्ट्रक्चर होना चाहिए। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।